परमेश्वर बड़ा है। भयंकरमा डिस्कस पड़ी आप लोग है जो है बहुत अच्छा से आपस में डिस्कस कर रहे थे। मुझे हिंदी में हिंदी आता तो मैं आप सबों से व्यक्तिगत पूछता। नेक्स्ट टाइम फैमिली अगले बार परमेश्वर की इच्छा हो तो परिवार के साथ मैं यहाँ पर होऊंगा। हिंदी पढ़ी और भैया के बच्चे दो एक बेटा एक बेटी है दोनों हिंदी सीख रहे हैं। अगले बार परमेश्वर की इच्छा हो तो मेरे बच्चे आप जो लिखे लेंगे वे पढ़ के आपको सुनाएंगे आपने क्या लिखा। और जैसे आपने जो भी डिस्कस किया है आपस में बातचीत किया है उसको यदि आगे समय मिले तो हम आपको समय देंगे और आप आगे सामने उसको उन बातों को रख सकेंगे। अभी आप बताइएगा कि आपको कितना बजे भोजन के लिए भोजन के लिए कितना बजे भेजना है। भोजन चाहिए नहीं चाहिए नहीं दोपहर को खाना के लिए कितना बजे भेजना है। मान लीजिए एक बजे है बोलेंगे 15 मिनट है बचा है। 5 o'clock 5 बजे पौने 2 बजे ठीक है नाराज है तब तक अच्छा भूख लगेगा अच्छा डाल सकेंगे। I can speak for hours. मैं घंटों पर प्रचार कर सकता हूँ। उनका अन्ने अगस्त नन्नला पांडिचेरी की चेन्नई के लाम आता है ना ही स्पीक्स फॉर 2.5 hours। और हमारे बड़े भैया एक सत्र में 2.5 घंटा प्रचार करते हैं तमिलनाडु में और कहा जो है 2.5 घंटा बिना रुके और बहुत जो है के साथ प्रचार करते हैं। और जब हम लोग बचपन से उनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं इसलिए हम भी उन्हीं के समान है उनसे कम नहीं है। इसलिए आपको 2:45 यहाँ से खाने के लिए हम भेजेंगे। आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ अपने अपना कॉपी पर उतारा होगा। बाइबल हमें कैसे दौड़ना है या किस प्रकार हमें दौड़ना है कई बातों को बतलाता है पर सारे बातों को नहीं परंतु जो हमारे लिए जरूरत है उन बातों को हम देखने जा रहे हैं आने वाले 2 दिन में आज और कल। नम ग्रुप डिस्कशन और जैसे मैं उदाहरण के तौर पर जब आपका ग्रुप डिस्कशन में आप जाने पर थे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा था रफ्तार में हमें दौड़ने का जरूरत है। और आप सबों को मौका दें ये हमारा मन की इच्छा है परंतु समय के अभाव के चलते हम सबको मौका नहीं दे पा रहे। और यदि शाम के समय में यदि हमारे पास समय रहेगा आप में से और कोई आके बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। और अभी इस सेशन में हम लोग जो है दौड़ इसका मतलब क्या है जब हम लोग दौड़ करके जो बोलते हैं उसके बाद तुरंत हमारे मन में आएगा कि रफ्तार உலக பிரகாரமாக ஒரு ஓட்ட பந்தயம் அப்படினு சொன்னாலே வேகமா ஓடுறவன தான் பிரைஸ். और संसार में दौड़ जो है या पुरस्कार दौड़ करके जो शब्द आएगा तुरंत लोगों के मन विचार में यही आएगा कि बहुत शीघ्र या जो है बहुत ही रफ्तार में हमें दौड़ना है। ஆனால் கிறிஸ்தவ ஓட்டம் என்பது எப்போதும் வேகம் அல்ல. தோட ध्यान दीजिएगा परंतु मसीह दौड़
ये नहीं है कि कितना रफ्तार वाली दौड़ नहीं है वाला नेर कलिले नाम पूर्ण यागवन ओड़ बेटी वाला कई बार वचन में लिखा है कि हमें धीरज के साथ दौड़ना है रफ्तार के साथ नहीं हम योजना என்னடா அது ஓட்டம்னாலே வேகம் தான அதுக்கு அர்த்தம் और कई बार हमारे मन में आएगा कि भैया दौड़ का अर्थ ही यही है कि रफ्तार अभी என்ன பொறுமையா ஓடுறது परंतु आप बोल रहे हैं कि धीरज के साथ दौड़ना है ஒரு சிலர் காலையில எழுந்து எக்சர்சைஸ் பண்றவங்கள பார்த்திருப்பீங்க आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सुबह में उठ के कुछ लोग जो है कसरत करते हुए आपने ध्यान दिया होगा और पंदयத்துல ஓடுறவங்க வேகமா ஓடுவாங்க और जो लोग जो है ना जो दौड़ में जो भाग लेने वाले हैं वे लोग रफ्तार में दौड़ते हैं உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் ஜாகிங் பண்ணுவாங்க परंतु जो लोग जो है अपने शरीर को तंदुरुस्ती में या ताकत के साथ रखने के लिए वे जॉगिंग या धीरे धीरे दौड़ते हैं जॉगिंग பண்றவங்க வேகமா ஓட மாட்டாங்க பொறுமையா ஓடுவாங்க और जो लोग जो जॉगिंग करते हैं वो अपना कसरत के लिए जो दौड़ते हैं वो धीरे से दौड़ते हैं या जो है वो बहुत रफ्तार में दौड़ने वाले नहीं है आगे கிறிஸ்தவ ஓட்டம் உலக பிரகாரமான ஒரு ஓட்டம் பந்தயம் போல அல்ல மசீ தோட் एक जो है जिस प्रकार संसार में लोग जो है रफ्तार में दौड़ते हैं वैसा दौड़ मसीह दौड़ नहीं है பல நேரங்களிலே நாம் பொறுமையாகவும் ஓட வேண்டும் கை संदर्भ में हमें धीरज के साथ हमें दौड़ने का आवश्यकता है हालेलुया हालेलुया ஏனென்றால் யார் முதலிலே போய் எல்லை கோட்டை சேர்கிறார்கள் என்பது நம்முடைய போட்டி அல்ல ध्यान दीजिएगा ये मान्य नहीं रखता है कि कौन उस जो है सीमा को पहले जो है पार कर रहा ये मसीह जीवन में नहीं देखा जाएगा यार வழியிலே நின்று விடாமல் சரியாக நம்ம இலக்கை போய் அடைகிறோம் என்பதுதான் கிறிஸ்தவ ஓட்டம் பர் மசீ தோடு ये जो है बदलाता है कि कौन उस दौड़ में बिना रुके बिना थके बिना पीछे मुड़े और आगे जा करके उस लक्ष्य को पूरा करता है देवन नमक கொடுத்திருக்கிற தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு और परमेश्वर के ओर से जो दर्शन आपको मिला है उस दर्शन को पूरा करने के लिए देवन नमक கொடுத்திருக்கிற ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு और परमेश्वर जो दौड़ आपके लिए दिया है उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ के उसको पूरा करने के लिए பல நேரங்களிலே பொறுமையாக ஓட வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் கை சத்தம் में आपको उसको रफ्तार में नहीं बल्कि हमें धीरज के साथ दौड़ने का जरूरत है அதற்கு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் मैं इसके आधार के लिए मैं एक वचन को मैं आपके सामने पेश करूंगा இப்ரானியோ के पत्र 12 அதிகாரம் उसका 12वां अध्याय முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் और उसका पहला वचन को पढ़ें तो एक बार पढ़िएगा थोड़ा आवाज उठा के थोड़ा आवाज उठा के ऊंची आवाज में जो है इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसका पहला वचन इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ जी धीरज से दौड़े ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நமக்கு இருக்க என்ன அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கிறது தொடர்ந்து ஜெகா கி ஐசே जो गवाहों का ऐसे बड़ा बादल करके वो वचन शुरू होता है इतने तिरलान साक्षीगल थोड़ा ध्यान दीजिएगा इतने बड़ी जो है गवाहों का बादल அந்த இத்தனை திரளான சாட்சிகள் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் जो इतनी बड़ी जो है गवाहों का बादल जो शब्द है उसको यदि आपको और मुझको समझना है तो இதற்கு முந்தைய அதிகாரத்தை நாம் முழுவதுமாக வாசிக்க வேண்டும் उसके पहले अध्याय जो 11वां अध्याय है इब्रानियों के पत्री का उसको देखना है वहां पर लोगों ने किस प्रकार दौड़ दौड़ा है करके वहां पर लिखा है அந்த 11வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற 40 வசனங்களில் और जो 11वां अध्याय इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय में पाए जाने वाले 40 वचन के अंतर्गत में பல பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது वहां पर पुराना नियम का जो विश्वास
विश्वास का जो सूरवीर है उनका सूची दिया गया और वे किस प्रकार अर्थात जो है दौड़ को उन लोगों ने दौड़ा वो वहां पर पूरा अध्याय में दिया गया है और उन सारे लोगों के बारे में लिखने के बाद और उसका अगला अध्याय जो 12वां अध्याय का पहला वचन में इतने तिरलान साक्षी के नमक वहीपट्टिरारगले और जो है बंगावाओं का ऐसे बड़ी बादल जो 11 अध्याय में है जो हमारे लिए नमूना के तौर पर रखा गया है और उन लोगों को देखो दूर करके उन लोगों ने दौड़ा में नहीं आना है वो हमारे लिए जो बक्सा बना के रखा गया है उसी में
जाना है அந்த ட்ராக்ல மண் ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கு இது ரொம்ப ஹார்டா இருக்குன்னு நான் அதுல ஓடுனாலும் டிஸ்குவாலிஃபைட் மாலிஜே உட்கா जो है वो भैया उनके सामने जो ट्रैक है वो बहुत खूबसूरत है मेरा ट्रैक उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा उधर जाके इधर आ जाऊंगा उनको पहले ये मालूम होना चाहिए जिस जगह पर खड़ा हो उसी ट्रैक में दौड़ के उसी ट्रैक में मुझे अंत करना है इधर उधर ट्रैक में पैर नहीं रखना है दर्शन के रूप में जो दौड़ दिया है दर्शन और मेरा दर्शन अलग है मेरे बारे में जो योजना रखा है वो भिन्न है परमेश्वर आपके बारे में जो दर्शन रखा है जो दौड़ रखा है वो भिन्न है आपका और हमारा अलग अलग भिन्न भिन्न दौड़ रखा गया है आपसे हम बहुत ऊंचे हैं या आपसे आप बहुत ऊंचे हैं ये बात नहीं है आप सबों के लिए एक ही लक्ष्य दिया गया है परंतु परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए अलग अलग जो है एक ट्रैक दिया है उसी ट्रैक पे हमें दौड़ना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा आज परमेश्वर इस जोन के अंतर्गत में आपको रखा है इस जोन में आपको परमेश्वर इस समय के अंतर्गत में इतने काम को इनके द्वारा मैं करूंगा करना चाहता हूं करके परमेश्वर ने निर्धारित किया है जब परमेश्वर के लिए आप और हम बात जोते रहेंगे इंतजार करते रहेंगे या प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर आपके लिए जो मेरे लिए जो दौड़ रखा है उसी दौड़ में हमें आगे ले जाएगा यदि आपके लिए मेरे लिए जो ठहराया गया नियुक्त किया गया और बनाया गया उस जो है ट्रैक में आपको और मुझको दौड़ना है तो परमेश्वर का दास इस वचन में इस प्रकार सफाई से वो लिखा है हमारे लिए जो ठहराया गया उस दौड़ में हमें धीरज के साथ दौड़ना है यदि आप और हम धीरज को छोड़ के अब दौड़े परमेश्वर हमको दर्शन दे दिया ऐसे समझ के हम जो है धीरज नहीं रखेंगे तो यदि आप और हम जो है आग बंद करके हम दौड़ने वाले जैसे हम रहेंगे तो मन विरुपति या मैं अपने मन की लालसा के अनुसार मन की इच्छा के अनुसार यदि मैं दौड़ो वाई हमारा जो दौड़ के लिए जो रखा गया है उस ट्रैक को छोड़ के दूसरों के ट्रैक में दौड़ने का संभावना है परमेश्वर आपके लिए आपके द्वारा से जो करना चाहता है वो परमेश्वर नहीं कर पाएगा आगे गुरुदेव पिल्ले गुरुदेव ऊलियन அறிந்திருக்க வேண்டிய காரியம் எனக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ஓட்டம் இருக்கிறது அதிலே நான் சரியாக ஓட வேண்டுமானால் பொறுமையோடு கூட ஓட வேண்டும் थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई और बहन इसको आप अपने मन में अच्छा से बसा ले परमेश्वर जो है आपके लिए एक दौड़ रखा है उस दौड़ में आपको उस दौड़ को अच्छा से पूरा करना है इसके लिए आपके अंदर हमारे अंदर धीरज रखना आवश्यक है அப்படி நாம் ஓட முயற்சிக்கும் போதுதான் जब हम लोग धीरज के साथ दौड़ेंगे நம்முடைய பொறுமையை சோதிக்கிற எல்லா காரியமும் நம் வாழ்க்கையிலே குறிக்கிடும்
और जो है मान लीजिए धीरज के साथ दौड़ने के लिए आपने अपने मन में ठान लिया, तो उस धीरज को परीक्षा में लाने के लिए बहुत से बातें हमारे सामने आएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा वो भाई जो है उस क्षेत्र में बहुत उनका सेवकाई बढ़ रहा है, कितना अच्छा से कर रहे करके आपके मन में उस प्रकार का भावना आने का संभावना है। தமிழ்நாட்டில் ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஊழியங்களில் தான் சொல்லுகிறேன், பாட்டு பாடுவது பயங்கர ஃபேமஸ் ஆயிருச்சாங்க தமிழ்நாடு மே ஆஜ்கல் ஜோ ஹே ஆராதனா சலானா ஆராதனா கா கீத் ஜோ ஹே பஹுத் பிரசித்த ஹே, ஒரு பாட்டு ஃபேமஸ் ஆயிருச்சுன்னா நம்மளும் ஃபேமஸ் ஆயிரலாம்னு சொல்லி, ஆர் மான் லீஜியே ஏக் ஜோ ஹே கீத் ஜோ ஹே बहुत नाम कमा लेगा तो उसके द्वारा मेरा भी नाम ऊंचा हो जाएगा। அவர் பாடுறார் இவர் பாடுறார் அவர் ஃபேமஸ் ஆயிட்டார் அவர் ஓஹோன்னு வளர்ந்துட்டார்னு சொல்லி, और जो है वो गीतकार है वो कैसेट निकाल रहे वो सीडी निकाल रहे इसलिए हम भी गीत गाएंगे हम भी कैसेट बनाएंगे हम भी सीडी निकालेंगे करके हम भी निकाले। தேவன் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்துல கொடுத்த ஊழியத்தை விட்டுட்டு, और परमेश्वर ने जिस सेवकाई को इनके हाथ में दिया वो सेवकाई को भूल बैठते हैं, வழி விலகி வேற எதையோ செய்து கொண்டிருக்கிறார், பரமேஸ்வர் உன்கே லிய ஜோ சேவா ரக்கா ஹே வோ சேவா கோ சோட் கே தூஸ்ரா ட்ராக் மே ஆஜ் தோட் ரஹே ஜோ ட்ராக் உன்கே லிய ரக்கா நஹீ கயா, இது ஒரு உதாரணம் மட்டுமே, மை உஸ்கோ ஏக ஜோ ஹே உதாரண மே மை இஸ்கோ லே ரஹா, பல காரியங்கள் நம்முடைய ஊழியத்தில் குறிக்கிட வாய்ப்பு உண்டு, இந்த பிரகார் ஹம் ஜோ ஹே இன்கோ தேக் கர்கே உன்கோ தேக் கர்கே உன்கி சேவகாய் கோ தேகே இன்கி சேவகாய் கோ தேகே ஹம் அப்னி சேவகாய் கோ பதல் லேதே ஹே। நானும் ஒரு பத்து பாட்டு எழுதி இருக்கிறேன், ஆ ஜோ ஹே பையா பரமேஸ்வர் நே இன்கோ பி அனுக்ரஹ தியா 10 கானா லிக்கே ஹே, அது எழுதி 5 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு, ஆர் இன்னோனே பா லக்பக் 5 சால் சே ஜாதா ஹோ கயா கி 10 கீத் பரமேஸ்வர் பனானே கிளே இன்கோ அனுக்ரஹ தியா, நானும் அத பாட்டா வெளியிடணும் முயற்சித்த போது ஆண்டவர் அனுமதிக்கவில்லை, ஆ மே ஏனி சாந்தே தே கி ஹம் பி எக் சிடி நிகால் தே பரமேஸ்வர் கஹா சுப் ரஹோ, உனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஊழியத்தை செய், பரமேஸ்வர் நே கஹா தேகோ தமா जो सेवा दिया हूँ उसको करो, गीत का सेवा तुम्हारा नहीं है। நானும் ஆண்டவர் எனக்கு பாட்டு கொடுத்துட்டார்னு சொல்லி, மாலிஜே பை பாஸ் சோச்சோ பரமேஸ்வர் मुझे भी गीत दिया है, ஆண்டவர் எனக்கு நியமிக்காத ஓட்டத்திலே நான் ஓடுவேன் நானா, और जो दौड़ मेरे लिए नहीं रखा गया है वो क्या गीत का सीडी निकालो, ये दौड़ मैं दूसरे किसी के लिए है उस दौड़ को मैं दौड़ो, ஆண்டவர் எனக்கு குறித்த நேரத்திலே அந்த நேரத்திலே செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் வேறு எதையோ செய்வேனானால், परमेश्वर मेरे लिए जो दौड़ जो रखा है उस दौड़ को छोड़ के दूसरों के ट्रैक में जाके दूसरों को काम करके उस दौड़ में मैं दौड़ो, ஆண்டவர் என்னை கொண்டு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்ற முடியாது, परमेश्वर जो दर्शन मेरे लिए रखा है मेरे द्वारा करने के लिए जो चाहता है उसको हम नहीं कर पाएंगे, விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம், அதே மை जो சாக மேல ரக்கா ஹோ वो சாகுக்கு மேல் पूरा कर सकूंगा, ஆனால் தேவனுடைய விருப்பம் நிறைவேறாது, परंतु परमेश्वर की इच्छा है उस इच्छा को हम पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे, ஆக தேவனுடைய திட்டம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டுமானால், परमेश्वर की योजना परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में आपकी सेवा में पूरी होनी है तो, தேவன் இன்றைக்கு என்னை என்ன சொல்லுகிறாரோ, பரமேஸ்வர் ஆஜ் மேரே द्वारा क्या करना चाहता है, அதை செய்யும்படிக்கு நான் ஜாக்கிரதையாக, அப்போ காமும் கோ பௌத் சாவதானி के साथ मुझे करने का जरूरत है, எனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே ஓடும்போது அந்த தரிசனம் நிறைவேறுகிறது, ஜோ தோட் பரமேஸ்வர் மேரே லிய ரக்கா ஹே உஸ் தோட் கோ தீரஜ் के साथ दौड़ने पर वो पूरा होता है, ஹalleluya ஹalleluya, அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், பொறுமையாக ஓட வேண்டும், ஆக்கி जो परमेश्वर रखा है उसको पूरा करने के लिए जो दौड़ परमेश्वर आपके लिए रखा है उसमें धीरज के साथ दौड़ना है, ये பொறுமையாக ஓட வேண்டும், क्यों हमें धीरज के साथ दौड़ना है, அப்பொழுதுதான் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே ஓட முடியும், तभी हम मेरे लिए जो नियुक्त किया गया है ठहराया गया है उस दौड़ में मैं दौड़ पाऊंगा, அப்படி பொறுமையாக ஓடின ரெண்டு தேவ மனிதர்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன், थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा धीरज के साथ दौड़ने वाले दो प्रभु के दासों को बाइबल में से मैं आपके सामने मैं रखूंगा, ஒன்று
और पहला राजा की किताब और उसका 17वां अध्याय और वहां पर पहला राजा की किताब उसका 17वां अध्याय में एलिया नामक प्रभु के दास के बारे में वहां पर लिखा गया है। जब आपको समय मिले तो आप जो है पूरा अध्याय को आज एक बार और जो है उसको पहले भी बहुत पढ़े होंगे पर आज नए ऋषि से जो एक बार और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और उस एलिया के जीवन में से आज वो एलिया किस प्रकार एक धीरज के साथ दौड़ा उसको आज यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय में हमने देखा कि गवाहों का ऐसा बड़ी बादल उस बादल में से एक है एलिया नबी। उन गवाहों में से एक गवाह है एलिया नबी उनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं या अध्ययन करने जा रहे हैं। इंद एलिया अंडर इस्रवेल जनगलों यूदा जनगलों பாவத்திலே வீழ்ந்து கொண்டிருந்த போது தேவனால் எழுப்பப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி और एलिया नबी जो है इजराइल और जो है और यहूदा दोनों पाप में इतना डूब चुके थे और पाप में जीवन जी रहे थे उस समय में उनको परमेश्वर के मार्ग में लाने के लिए ठहराया गया एक भविष्यवक्ता है। आगाब என்கிற ஒரு பொல்லாத ராஜா அவர்களை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் और उन दिनों में आहाब करके एक जो है एक एकदम खराब एक राजा उन दिनों में शासन करता था। लोगों का पाप अत्यंत बढ़ गया जनंगल विक्रहங்களை பின்பற்றி போனார்கள் और लोग है मूर्ति पूजा करने लगे अन्य தெய்வங்களை வணங்குகிறவர்களாக மாறி போனார்கள் बाल देवता का मंदिर बना करके वे लोग बाल देवता का पूजा करने लगे। அப்பொழுது இந்த எலியா இடத்திலே தேவன் சொல்கிறார் और उस समय में எலியா நபி से परमेश्वर कहता है இந்த ஜனங்களை எச்சரித்து உணர்த்தும்படியாக और इस लोगों को तुम जाके चिताओ தேசத்திலே மழையும் பெய்யாது பனியும் பெய்யாது और इन लोगों को चिताने के लिए आगे जो ना ओस गिरेगा ना सीत गिरेगा करके परमेश्वर कहता है। 17वां அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் படியுங்க பहला ராஜா की किताब 17वां अध्याय पहला वचन को पढ़िएगा पहला वचन को पढ़िए அப்படி அடையாளம் தெரியாத ஒரு மனிதனை பெரிய அந்தஸ்தில் இல்லாத ஒரு மனிதனை தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறார் குடும்ப பின்னணி கூட தெரியாது ஆனால் அவனைத்தான் தேவன் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக எழுப்புகிறார் जिनके बारे में जिनका परिवार का भूमिका क्या है वो किस परिवार का है पता नहीं है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर भविष्यवक्ता के तौर पर चुन रहा है। நீங்களும் நானும் கூட இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லாதவர்களாக
தான் இருந்தோம் பிரியரோட தியானிச்சேகா ஆப் ஒரு நாமே சத்சார் மே हमारे लिए कुछ नाम இல்ல कुछ नहीं हमारा भूमिका नहीं था இந்த உலகத்திலே நம்மை விட படித்தவர்கள் உண்டு அவர் जो है हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत है நம்மை விட பணக்காரர்கள் உண்டு आपसे और हमसे बहुत पैसा रखने वाले हैं நம்மை விட அறிவில் சிறந்தவர்கள் உண்டு और आपसे और हमसे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं ஆனால் உங்களையும் என்னையும் தான் தேவன் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर आप और मुझको इस संसार में एक रोशनी को फैलाने वाले काम के लिए रखा है हालेलुया हालेलुया அதே போல தான் அன்றைக்கு தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட எலியா और वैसे ही जो है उन दिनों में उन लोगों के बीच में पर सेवा करने के लिए उनको परमेश्वर के मार्ग में लाने के लिए एलिया नबी को परमेश्वर चुना था அந்த எலியாவை குறித்து சொல்லப்படுகிற வார்த்தை தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற எலியா तो ध्यान दीजिएगा वहां पर एलिया नबी का परिचय जो है बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला मैं करके एलिया नबी अपने आप को परिचय देता है अनुदान अंदर एलिया भी बुनादी सया और एलिया नबी का खासियत यही है कि परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला अनुदान अंदर एलिया में किरत और विशेष पंडु और एलिया नबी के अंदर कमाए जाने वाले एक विशेष वो भी यही है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला और वो मनुष्य के सामने खड़े रहने वाला नहीं है और दूसरों के मन भावना के अनुसार खड़े रहने वाला नहीं है परंतु वो परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला है और इसलिए जो भी एलिया करे वो सब परमेश्वर के मन में या परमेश्वर के निगाहों में जो अच्छी बातें उसी को करता था और उस एलिया नबी से परमेश्वर कहता है यहाँ के लोगों का जीवन या यहाँ के लोगों का चाल चलन मेरे नजर में बहुत बुरा लग रहा है और वे मेरे दिया मेरे द्वारा दिया गया सारे कल्पनाओं को टुकरा दिए और मेरे जो है वचन आज्ञा अनुसार ये लोग नहीं चल रहे हैं इसलिए परमेश्वर एलिया से कहता है इस देश में बहुत बड़ा एक भूखमरी या अकाल को मैं भेजने जा रहा हूँ और एलिया नबी भी परमेश्वर ने जो बातें उनको कहा था उसको कह दिया अभी देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा देश में अकाल आ गया तो एलिया अभी देश में अकाल आ गया तो एलिया कहाँ जाएगा देश में से भाग के एलिया को भी उस अकाल में ही गुजरना पड़ेगा एलिया और एलिया नबी को भी ना वो जो है अन्य लोग जैसे अकाल के द्वारा प्रभावित होते हैं एलिया को भी प्रभावित होना ही पड़ेगा अभी मान लीजिए मैं एलिया होता तो मैं क्या करता முதல்ல தேவனை பார்த்து கேட்பேன் பைலே மே பரமேஸ்வர் से ये पूछता ये தேசத்துல பஞ்ச அனுபவங்கள் இருக்கட்டும் आप जो है पूरे देश में आप अकाल या भूख पर आप भेजने जा रहे हैं தேசத்துல பஞ்ச வரும்போது நான் எப்படி சாப்பிட போறேன் तो भाई ये पूछता कि भाई प्रभु पूरा देश में आप अकाल भेजेंगे हम क्या खाएंगे எனக்கு எங்க இருந்து சாப்பாடு வரும்போது मेरे लिए कहां से भोजन का प्रबंध करेंगे अरे முதல்ல சொல்லு पहले उसको बता दीजिए उसके बाद में देश में अकाल भेजिए या भूख मरी भेजिए ना अपनी ना केटर पे मैं तो अमार एलिया होता मैं ऐसे सवाल को उठाता नींगल्ला नल्ला मनी देगा अपनी केक मारी आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग परमेश्वर से ऐसा पूछेंगे नहीं ना ना रंबो मौसम आना मैं तो बहुत खराब इंसान हूँ इसलिए मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ पूछूंगा भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा यदि आप पूरा उस अध्याय को पढ़ के देखिएगा देवन சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்லுவதுதான் என்னுடைய வேலை கேள்வி கேட்பது என்னுடைய வேலை இல்லை என்பதை எலியா அறிந்திருந்தான் थोड़ा ध्यान दीजिएगा पर एलिया इस बात को बहुत बलिबाती जानता था परमेश्वर जो कहता है उसको हमको कहना है कि वो अगर मुझे सवाल उठाना है क्या है करके सवाल उठाने का काम मेरा नहीं है परमेश्वर जो कहेगा उसको दो लोगों तक पहुंचाना है ஏனென்றால் எலியாவுக்கு தெரியும் இப்போது தேவன் என்னை இதை செய்ய
परमेश्वर मुझे इस बात को करने के लिए बोल रहा है, मुझे करना है। अभी बात कर रहा एलिया नबी जो परमेश्वर ने कहा था अकाल पड़ेगा, तो एलिया नबी कह दिया अकाल पड़ने जा रहा है। जैसे एलिया ने कहा था वैसा ही अकाल पड़ गया। अभी एलिया कहीं इधर उधर नहीं भाग रहा है, और जहाँ उसने भविष्यवाणी किया वहीं पर एलिया नबी है। और वहाँ पर लोगों को भी जो है भोजन वस्तु नहीं है, और अभी इनका भी जो भोजन वस्तु है धीरे धीरे घट रहा था। अभी एलिया नबी जो है वो बवाल हो रहा है, अभी देश में अकाल भेजने जा रहा हूँ करके कहने वाला परमेश्वर है। अभी परमेश्वर ही कहे कि हमको कहाँ जाना है इस अकाल से बचने के लिए। मैं कल क्या कहूंगा, क्या कैसे रहूंगा करके यदि मैं अपने बारे में चिंता करने से अच्छा है। एलिया इस बात को जानता था कि मैं अपने बारे में चिंता करने से अच्छा है, मुझे जिसने भेजा वो मेरे बारे में चिंता करे वो मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। आप भी इसी प्रकार के मार्ग में होके जाने का जरूरत हो सकता है, आगने वाले दिनों में हो सकता है। नाम अवर नमक ओटतले जब आप और हम जो दौड़ आपके लिए परमेश्वर रखा है उस दौड़ में आप दौड़ते समय में परमेश्वर सही समय पर सही वक्त पर आपके पास आके आपसे बातें करने के लिए वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। एलिया नबी का कान अभी परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए तैयार है। और वहां पर दूसरा वचन में इस प्रकार कहा गया है पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। भविष्यवाणी बात जो रहा था उस समय में एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। देवन अंगे और குறிப்பிட்ட वहां पर परमेश्वर किसी जगह पर जहां पर उनके लिए नियुक्त किया था उस जगह में जाने के लिए एलिया नबी को परमेश्वर कहता है। और तुम जो है वहां पर जाओ जो गिरी करके जो नाला है उस नाला के पास जाके तुम अपने आप को छिपा लो। तीसरा वचन में हम इस शब्द को पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है केरी जो है केरी क्या लिखा है वो नाला लिखा है ना हिंदी में नाला और वहाँ पर अंग्रेजी में इसको लिखा है कि वो झरना है लिखा और यर्दन नदी से जो है निकला हुआ एक झरना करके उसमें लिखा हुआ अंग्रेजी शब्द में परमेश्वर कहता है तुम गिरित करके उस नाला के पास जाके तुम अपने आप को छिपा लो। मैं उस जगह में एलिया नबी की जगह पर मैं होता मैं परमेश्वर से ऐसा पूछता। अब ये प्रभु वो जो नाला आप बोल रहे हैं वो नाला भी हमारे ही देश में है। अभी देश में तो पानी बरसने वाला नहीं है, अभी शीत गिरने वाला नहीं है, और वहाँ का नाला का पानी एक दिन सूख जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा बताइए पहले। इसलिए मैं केरित नाला के पास नहीं जाऊंगा,
कंट्री कंट्री का पोयर रहे ना सुनी रहे मैं कह रहा था वहां पर मैं बोलता इसी देश में ना आप आका भेजेंगे इसी देश का ना पानी पानी नहीं बरसेगा मेघ नहीं बरसेगा शीत नहीं करेगा इसलिए मुझे बगल बगल देश में जाने के लिए बोलिए वहां पर पानी रहेगा करके आप बोल दिए होते ஆனால் எலியா தேவன் தனக்கு நியமித்த ஓட்டத்திலே பொறுமையாக ஓடுகிறவனாய் இருந்தபடியால் வாப பர் எலியா நபி அப்படி லியே जो निर्धारित किया गया उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ने वाले ஓடே के चलते தேவன் சொல்லுகிற இடத்திற்கு ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் செல்கிறான் और वहां पर परमेश्वर जिस स्थान में उनको जाके छिपने के लिए कहता है बिना कुछ कहे या बिना कुछ शर्त वहां पर चले जा रहा यहाँ पर इसी को हम कह सकेंगे कि धीरज के साथ दौड़ने वालों का अनुभव मान लीजिए जो बातें मेरे मन लायक है या मेरे विचार में अच्छा है उसके विपरीत में परमेश्वर कुछ बात को इधर जाओ करके कहे तो भी जो करने के लिए प्रयास करता है वही धीरज के साथ दौड़ने वाला है கொஞ்சமும் சந்தேகப்படாமல் இதுதான் தேவன் எனக்கு இப்போது நியமித்திருக்கிற ஓட்டம் என்று சொல்லி பொறுமையாக ஓடுகிற ஒரு அனுபவம் எலியாவிடத்தில் இருந்தது யாபரம் எலியா நபியே देखते हैं भैया आज परमेश्वर जिस जगह में जाके छिपने के लिए कहता है वो स्थान जो है मैं धीरज के साथ मैं परमेश्वर से पूछूंगा नहीं और पर उस स्थान में जाऊंगा आज्ञाकारी होकर वहां जाऊंगा यही है एलिया अपना दौड़ को धीरज के साथ दौड़ा देवन இப்போது எலியாவை கேரித் தாழ்கண்டையிலே போக சொல்லிவிட்டார் அவே परमेश्वर उस கேரித் நாலாக के पास जाने के लिए परमेश्वर ने एलिया नबी से कह चुका है இப்போதைக்கு அங்கே தண்ணீர் இருக்கிறது अभी जो है जिस समय परमेश्वर भेजा वहां पर पानी था आगे தண்ணி பிரச்சனை தீர்ந்துச்சு अभी पानी का समस्या खत्म எத்தனை நாள் இருக்க போகுதுன்னு தெரியாது अभी जो है कितना दिन वो जो है नाला में पानी जाएगा मालूम नहीं ஆனா இப்போதைக்கு தண்ணி கிடைக்கும் अभी वर्तमान जो है हमको पीने के लिए पानी मिलेगा उन्होंने एलिया देवन ने கேக்கல अभी சாப்பாட்டுக்கு எங்க போறதுன்னு கேக்கல சாப்பாட்டுக்கு எங்க போறதுன்னு தேவன் அபி தொழுகையா தீங்கா பரமேஸ்வர் से எலியா ஏனே பஜன் பிரபு पानी तो आपने इंतजाम कर दिया परंतु भोजन के लिए क्या बात है एलिया கேக்க மாட்டான் தேவனுக்கு தெரியும் यहां पर परमेश्वर इस बात को जानता था मेरा एलिया जहां पर भी मैं उनको भेजूं मुझसे वो सवाल नहीं उठाएगा அதனால் தான் அங்க எலியாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற மனிதன் இஸ்லிய எலியா के बारे में बाइबल ऐसा परिचय देता है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला इंसान ஆக பொறுமையோடு ஓடுவது என்றால் என்ன यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा धीरज के साथ दौड़ने का मतलब क्या है தேவனுடைய வார்த்தையின்படி கேட்டு और परमेश्वर के जो वचन को शब्द को सुनकर நமக்கு ஏற்றதா இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர் நடத்தினார் जो हमारे विपरीत में है अनुकूल में नहीं है विपरीत में है यदि परमेश्वर उसमें होके जाने के लिए कहे तो भी देवने संदेह पड़ामल केल्वी केकामल முன்னேறி செல்வது और परमेश्वर के ऊपर शक किए बिना सवाल किए बिना और उस जगह में जाने के लिए अपने आप को समर्पण करने का जीवन அடுத்து தேவன் அங்கே சொல்கிறார் और उसके बाद परमेश्वर आगे कहता है அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் மூன்றாவது நான்காவது வசனத்தில் ஆ சௌதா வசனமே பரமேஸ்வர் கா வசன மே லிகா ஹை வஹா பர் உஸ் நாலா கா பானி பியா கரேகா அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் அர வஹா பர் துமே கிலானே கே லியே கிஸ்கோ மே தஹரோ நாராவுகா कौवा को मैं आज्ञा दूंगा இந்த ஊர்ல காகங்கள் இருக்குதான் தெரியல அவே यहां पर कौवा कौवा है ना हमारे यहां कौवा है कबे है அது இஸ்ரவேலுக்குள் இருந்த வேற ஒரு பறவை இங்க இருந்த மாதிரி காக்கா கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க அவே பைபிள் கா ஜோ விஞ்ஞான பைபிள் கா ஜோ வியாக்யான் ஜோ கர்த்தே ஹே வோ லோக் கர்த்தே ஹே பையா யஹாம் கே கப்பே ஜேசே நஹீ ஹே ஜோ யஹாம் பர் லிகா கயா ஹே வோ பக்ஷி நமக்கு காகோன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம காக்கான்னு வெச்சிப்போம் அவே அப் லோகோ கோ கா யஹாம் பர் தியா கயா ஹே கௌவா இஸ்கா மத்லப் ஹமாரே தேஷ் கா ஜோ கௌவா ஹே உஸ்கோ ஹம் அப்னே மன் கே தேவன் சொல்லுகிறார் எலியாட்ட உனக்கு காகங்கள் சாப்பாடு கொண்டு வரும் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வரும் அது ஹே பரமேஸ்வர் எலியா से कहता है देखो எலியா मैंने कौवों को आज्ञा दिया है वो क्या करेगा तुम्हारे लिए रोटी भी लाएगा और क्या लाएगा मांस भी लाएगा கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தரசத்தியம் தெரிஞ்சேகா காகம் சாப்பாடு கொண்டு வருமா இருக்குறத தூக்கிட்டு
போமா அரி பெரிய சவால் கா ஜவாப் தீஜேகா कौवा भोजन को लाके खिलाएगा या आप जो बना के रखेंगे उसको लेके भाग जाएगा எங்க ஊர்ல இருக்கிற காகம் சாப்பாடு மட்டும் இல்ல நாங்க ஒரு டீ குடிச்சிட்டு கப்பங்க வச்சு அங்க தூக்கி போயிரும் அவே हमारा जो तमिलनाडु का कौवा ऐसा है ना केवल वो खाना को ले जाता है चाय पी के कप को रखेगा कप को भी उठा के ले जाएगा என் மகனோ என் மகளோ மாடியில நின்னு ஏதோ ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்டிருந்தா கொஞ்சம் ஏமாந்தாங்கன்னா கையில இருந்து புடிங்கிட்டு போயிரும் और इनका बेटा और बेटी जो है वो सड़क पर खड़े होके बिस्कुट खा रहे थे और बिस्कुट को एक मिनट ध्यान नहीं दिए वो कौवा के उसको लेके भाग गया அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு பறவை ஆகாரம் கொண்டு வரும் என்று தேவன் சொல்கிறார் அவே जिसके ऊपर उम्मीदें नहीं रख सकता है उस पक्षी के बारे में प्रभु बोल रहा है कि ये तुमको रोटी खिलाएगा ये तुमको मांस खिलाएगा அதையும் நம்பி ஒரு மனிதன் காத்திருந்திருக்கிறான் என்றால் அவன்தான் பொறுமையோடு ஓடுகிறான் அவே உஸ் बात पर भरोसा रख करके कोई व्यक्ति जा रहा है उस जगह पे जाके अपने आप को छिपाने के लिए जा रहा है तो वही धीरज के साथ दौड़ने वाला इंसान है हालेलुया முதலாவது நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய பார்வைக்கு ஏதுமில்லாத இடத்திற்கு அனுப்பினாலும் தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து செல்வது பொறுமையோடு ஓடுவது पहले हमने देखा जो मेरा मन भावना विचार में जो बातें हैं उसके विपरीत में परमेश्वर जहां मुझे भेज रहा है वहां पर बिना शर्त बिना सवाल का जो जाने को तैयार है वो धीरज के साथ दौड़ने वाला है இரண்டாவது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாத அல்லது நம்பவே முடியாத ஒரு காரியத்தை தேவன் சொன்னாலும் அதையும் விசுவாசித்து அப்படியே காத்திருப்பது दूसरा व्यवहारिक जीवन में जो बातें हम भरोसा रख नहीं सकते हैं उन बातों को परमेश्वर कह रहा है उस बात पर भरोसा रखते हुए उन बातों में आगे बढ़ने वाला है वो धीरज के साथ दौड़ने वाला आगे ஆறாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் और उसके बाद आगे हम छठा वचन में पढ़ते हैं காகங்கள் அவனுக்கு விடியற்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் और கப்பே போர் में बोर में उनको क्या लाया मांस और रोटी लाया और मांस भी लाया सायंकालத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் और उसके बाद संध्या काल में रोटी और मांस लाया கொண்டு வந்தது और उनके पास लाके पहुंचाया அங்கே வாதியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் காகங்கள் கொண்டு வந்தது थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर पवित्र आत्मा कौवा लिखा है कौवे लिखा है कौवे காகங்கள் கொண்டு வந்தது யாக்கோபு கால காலை கௌவே லிகா அந்த கேரி தாட்டரண்டிலே தேவன் அவனை ஒளித்து கொண்டிருக்க சொல்கிறார் அவே தேவன் தெரிஞ்சேகா ਉਸ கேரி நாலாக்கே பாஸ் பரமேஸ்வர் உட்கொ ஜாக்கே சுட்டேக்கே கஹாதா அப்படி என்றால் எலியா இப்போது இருக்கிற இடம் வெளியிலே மனிதர்கள் பார்க்க முடியாத ஒரு இடத்திலே எலியா ஒளித்து கொண்டிருக்கிறார் இஸ்கா மத்தல ஜஹான் பர் மனுஷ்கே ஆக்கே உட்கொ நா தேகே ਉਸ ஜகா மே அப்னே ஆப்கோ எலியா கோ சிபானே கே லியே பரமேஸ்வர் நே கஹா அந்த இடத்திலே எலியாவை போஷிப்பதற்காக ஒரு 10 ஃபேமிலி காகங்கள் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அவே பரமேஸ்வர் ஜோ போய் இன்சான் உட்கொ நீ தேக்னா ஹே இஸ்கா மத்தல परमेश्वर क्या किया है वहां पर एलिया नबी को उस जगह में खिलाने के लिए 10 कौओं को पहले से तैयार करके उस जगह में रखा है हालेलुया ஒரு ஃபேமிலி காக இன்னைக்கு சொல்லிருக்கோம் அவே एक परिवार का कौवे आज कहां होगा இன்னைக்கு மார்னிங் நான் அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துறேன் आज सुबह का नाश्ता हम ले जाएंगे हमारा परिवार इसका बोझ उठा रहे हैं सांजेला உங்க ஃபேமிலி கொண்டு போய் கொடுங்க शाम को आपके परिवार को ले जा करके खिलाएंगे நாளைக்கு ரெண்டு நாள் நீங்க ஃபேமிலியோட போய் கொடுங்க और कल का जो है कल आपका परिवार उनको खिलाएंगे இன்னைக்கு எங்க ஃபேமிலில ரொம்ப பிஸி நாங்க வெளியில போறோம் நீங்க பாத்துக்கோங்க और कवे कहे ओके आज का हम लोग जो है बहुत व्यस्त है बाहर जाना है इसलिए उनका देखरेख आज आपका परिवार देखरेख करे இப்படி காகங்களுடைய ஃபேமிலி அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்ததா और इस प्रकार हर पोर में हर संध्या काल में कौवे उनको रोटी और मांस लाके उनको खिलाया करते थे எப்படி அது அப்பமும் இறைச்சியும் प्रिபெயர் பண்ணச்சு எனக்கு தெரியல मुझे नहीं पता कि रोटी को और जो है मांस को कैसे पकाया कैसे लाया आपको नहीं मालूम फीमेल काका माव पिसेஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் और जो है वो नारी वाली जो है कौवा कौवा वो आटा सान के आटा को अगर गूंथ के वो बनाया होगा अभी भी सेरा मारी आंड
जैसे हमारे भाई लोग जो है बेलते हैं घर पर, वैसा ही जो है वो रोटी बेल करके वो बनाया होगा घर वाला परिवार प्रभु के दास के सेवा देखिएगा जब परमेश्वर के दौड़ में हम धीरज के साथ दौड़े परमेश्वर कबूतरों के द्वारा से भी हमको खिलाने पिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया मान लीजिए कि एलिया नबी कहता कि प्रभु हम केरित नाला के पास हम नहीं जाएंगे वहां पर मत भेजिए करके कहा होता तो उसको अकाल में मरना है। इतने इतनी बड़ी बातें आज एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं वो भी पढ़ने को नहीं मिला होगा उस अकाल में उसी जगह में एलिया भी तड़प तड़प के मर गया होगा। और उसके आगे वचन में लिखा है उस देश का वो नाला सूखने समय तक एलिया वहीं पर था। और वहां पर उस नाला में बहुत पानी है अभी उस नाला का पानी पूरा पूरा सूखने के लिए कितना समय लगा होगा। पाटना वरुद पानी नदी में पानी कम हो गया नड़ुल क्रॉस पन्नी वंदो और हम लोग जो है एक पुल पर हम लोग जो है यात्रा कर रहे थे அந்த பிரிட்ஜ்ல கிராஸ் பண்ணி வரும்போது கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருந்துச்சு ஒரு குட்டை மாதிரி और वहां पर एक छोटे से जगह में थोड़ा सा पानी वहां पर दिखाई पड़ा ஆக இன்னும் தண்ணி முற்றிலும் வற்றவில்லை அபி पूरा पूरा पानी नहीं सूखा सोन नदी में இன்னும் ஒரு மாசம் வெயில் அடிச்சிச்சுனா मान लीजिए एक महीना दो महीना लगातार धूप रहे அந்த தண்ணியும் சுத்தமாக வற்றி போய்விடும் वहां का पानी भी सूखने का संभावना है ஆக எலியா கேரித் ஆற்றண்டையில் வரும்போது जब எலியா நபி கேரி उस नाला के पास आया था योर्दाविन किले नदी आना केरी तिले तन्नी नरया इरुंदी ची और यर्दन नबी नदी का वो जो है वो वहां पर वो साका में थोड़ा सा पानी था तन्नी पंजल ले अभी पानी का कुछ समस्या नहीं है अपन ये रही चीजें कड़की दे अभी कब्बे आकर के इनको खिला रहा है पिला रहा है कोई दिक्कत नहीं है अप्रॉक्सिमेटा और आर मास अंदर इंदर पाना जो है मेरे ख्याल से लगभग छह महीना उस नाला के पास वो रहा होगा எவ்வளவு நாள் தண்ணி வத்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு மூணுல இருந்து ஆறு மாதங்கள் அது ஜோ ஹே அப்லோக்கு நஹீ மாலூம் ஹே கி கித்னி தின் கே பாத் வோ நாலா சூக் கயா வோ யே ஹோ சக்தா ஹே தீன் மஹீனா சே சே மஹீனா கே பீச் ஆக ஆறு மாதமும் எலியாவுடைய சாப்பாட்டை ஆண்டவர் மாற்றவே இல்லை சே மஹீனா தக் எலியா நபீ கா போஜன் கோ பரமேஸ்வர் பதலா நஹீ சுப ரோட்டி அவர் கா மில்தா தா மாஸ் शाम को रोटी और मांस छह महीना किसी को परमेश्वर खिलाया उंगले लारकुम நீங்கெல்லாம் ரோட்டி சாப்பிட்டு பழகிட்டீங்க நாங்கெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ரொட்டி சாப்பிடுவோம் அவே ஆப் லோகம் தோ ஆதத் ஹே சுபஹ சாம் ரோட்டி கானே கா பரந்து பையா கர் ரஹே ஹே ஹப்தா மே ஏக் தின் ரோட்டி கானா ஹமாரே லியே பஹுத் முஷ்கில் ஹே எங்களுக்கு மூணு நேரம் ரோட்டி போட்டா நாங்கள் ஒரு வலி ஆகி விடுவோம் அவே ஆப் லோக தீன் பார் ஹம்கு ரோட்டி கிலாயேகா தோ ஹம் ரோட்டி பன் ஜாயேங்கே எங்க ஊர்ல இருக்குறவங்க காலையில சாயங்காலம் மத்தியானம் நைட் எத்தனை தடவை பிரியாணி சாப்பிட சொன்னாலும் சாப்பிடுவாங்க அவே அவரே தமிழ்நாட்டுக்கு லோ சுப தோபர் சாம் ராத் மே கபி பி ஆப் பிரியாணி கிலாயேகா மீ புலாவ் கிலாயேகா வோ பஹுத் அச்சா சே காயேங்கே ஆனால் எலியாவுக்கு ஆறு மாதமும் கிடைத்தது அப்பமும் இறைச்சி மட்டுமே ஆண்டவர் மெனுவ மாத்தவே இல்ல அவே தேக்கேகா எலியா நபிக்கு சே மைனா தோ கியா மில் ரஹா
रोटी और मांस, परमेश्वर उसका भोजन को बदला ही नहीं है। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, जरा सा सोच के देखिएगा। உங்களை எல்லாரையும் தமிழ்நாடு கூட்டி போய் அவே आप लोगों को तमिलनाडु में ले जाकर காலையில சோறு, सुबह में चावल, மத்தியானம் சோறு, दोपहर में चावल, சாயங்காலம் சோறு, शाम को चावल, அடுத்த நாளும் சோறு, और अगले दिन भी चावल, அதுக்கு அடுத்த நாளும் சோறு, और उसके अगला दिन வேற டிஃபரன்ஸே கிடையாது। और कुछ भी ना खिलाए, केवल चावल ही खिलाते रहेंगे। ஒரே இறைச்சி குழம்பா வச்சி போட்டா एक ही जो है ना मटन का या जो है या चिकन का छह महीना उसी को खिलाए, चेंज बनवे मटो आप लोग जो है उसको बदलेंगे। ओरे சாப்பாடு தான், एक ही भोजन, 6 மாதம் சாப்பிட சொன்னா, 6 महीना आपको खाने के लिए कहे। इतना பேர் வரிறதுக்கு ரெடி, आप में से कितने लोग तमिलनाडु आने को तैयार रहेंगे? ஒருத்தர் கூட ரெடி இல்ல, एक भी तैयार नहीं होके भाग जाएंगे। ஆனா எலியாவோட நிலைமை நினைச்சு பாருங்க, அவே எலியான வீக்க जरा सा சோசியேங்கா, நான் வீட்ல இருந்திருந்தா டிஃபரண்ட் டிஃபரண்டா சாப்பிட்டிருப்பேன். ஏ பிரபு, मैं अपने घर पर रहा होता, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन जो है भिन्न भिन्न तरीका का वो खाता। இந்த காகங்கள்ட்ட சொல்லி आवे आइस कबों को बोल के, இன்னைக்கு வேற கொஞ்சம் டிஃபன் கொடுங்களே। ஏ பிரபு, आज कबों से बोलिए, ஏசு भाई ऊब के आओ, दूसरा थोड़ा बदल के लाने के लिए कह दीजिए। இன்னைக்கு ஒரு நாள் இட்லி தோசை கொடுங்களே। आज एक दिन के लिए उनको बोल दीजिए लिट्टी खिला दे। எலியா கேட்கவே இல்லை। और எலியா लिट्टी इट्टी नहीं मांगा। அதுதான் தேவன் நியமித்த ஓட்டத்திலே ஓடுகிற அனுபவம். इसका मतलब यही है, परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना। அதுதான் தேவனுக்காக பொறுமையோடு ஓடுகிற அனுபவம். वही है परमेश्वर के लिए धीरज के साथ दौड़ने का अनुभव। இந்த சம்பவத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு இஸ் जो है சம்பவம், இஸ் जो घटना को मन में रखते हुए இஸ்ரவேல் ஜனங்களை யோசித்து பாருங்க. அவே இஸ்ரவேல் के लोगों को जो घटना है उसको मन में रख लीजिएगा। இஸ்ரவேல் के लोगों को अपने मन में லாயேகா, அவர்களை தேவன் வனாந்திரத்திலே எகிப்திலிருந்து நடத்தி கொண்டு வந்தார். அவே இஸ்ரவேலிய லோகம் கோ பரமேஸ்வர் மிஸ்ர தேசே छुड़ा के जंगल मरुभूमि में लेके आया। தேவ தூதர்களின் அப்பமாகிய வானத்து மன்னாவால் போஷித்தார். ஆல் பரமேஸ்வர் ने उनको स्वर्ग का दूध के लिए दूधों के लिए जो रखा गया था वो मन्ना को इन लोगों को दिया था। ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ஒரு வாரம் தான் சாப்பிட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஆர் வேளோ एक हफ्ता तक वो मन्ना खाए होंगे। அதுக்குள்ள என்ன சொன்னாங்க? और उसके बाद एक हफ्ता बाद क्या करने लगे? हम लोग जब मिस्र देश में थे, हम लोग मुफ्त में क्या करते थे? हम लोग को मीट मिलता था, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स। और हम लोग को जो है मिस्र देश में हमको प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था, जूस। और मिस्र देश में हम लोग को भिन्न भिन्न तरीका का जूस मिलता था। और हम लोग को मिस्र देश में बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलता था। परमेश्वर इस मन्ना को खाके खाके हम लोग उब चुके हैं करके इसराइली ने कहा। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படித்தான் புலம்பினார்கள். இஸ்ரவேல் லோக் अपने दौड़ में इसी प्रकार परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ते रहते थे। ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற எலியா, परंतु जो परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले रहने वाला எலியா, தேவன் தனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே ஓடுகிற எலியா, जो परमेश्वर ने जो दौड़ उनके लिए रखा था उस दौड़ में दौड़ने वाला எலியா, விருப்பமில்லாத சலித்துக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் சம்பவித்த போதும் கூட, जो भोजन से वो उबने का संभावना है तो भी தன்னுடைய ஊழியத்திலே எந்தவித மாற்றத்தையும் பார்க்காதிருந்த போது கூட, அவருடைய சேவகாயிலே किसी भी प्रकार का परिवर्तन को नहीं देखा, नहीं देखे रहने के बावजूद தேவனுக்காக அங்கே பொறுமையாக காத்திருக்கிறார். பரமேஸ்வருக்கு லியே வாப் பர் தீரஸ் கே சாத் ரஹ்னே வாலா எலியா. அங்கே இன்னொரு காரியத்தை யோசிக்க வேண்டும். ஆர் வாப் பர் அவரே பாத் கோ மே ஸ்மரண் கர்னா ஹே. அங்கே வந்தபோது தண்ணீர் நிறைய இருந்துச்சு. ஆர் ஜப் கோ எலியா நபி வாப் பர் பஹுஞ்சா தா வாஸ் ஸ்னாலா மே பானி பர்பூர் தா. ஒரு மாதம் ஆன உடனே தண்ணீரின் அளவு குறைந்தது. ஏக் மஹினா பீத்தே பீத்தே பானி தீரே தீரே கட்னே லகா. இன்னொரு ரெண்டு மாதம் போன உடனே முழங்கால் அளவுக்கு வந்தது. ஆர் உஸ்கே பாத் ஆர் 2 மஹினா பீத்தே के बाद घुटने के लेवल पर आ गया।
और उसके बाद समय बीतने के बाद और पानी नीचे चला गया अभी एलिया को मालूम है कि भैया अभी जो है पानी धीरे धीरे घट रहा है तन्नी गाली आग पोगा अभी एक महीना होते होते पूरा पानी सूख जाएगा अभी उस जगह पर मैं रहा था मैं क्या करता देवने परमेश्वर आपने मुझे यहाँ पर भेजा था अभी इतना दिन जैसे भी मैंने काटा अगले सप्ताह यहाँ पर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा अभी मैं क्या करूँ अभी आपको बेच के आप चुपचाप बैठे रहेंगे स्वर्ग में तो क्या होगा अभी पानी बिल्कुल सूख जाने के बाद आप हमको तितर बितर जाने मत दीजिए अभी पानी इतना सा है तो आप कुछ बोल देंगे इधर जाना है अब थोड़ा योजना बना के निकल जाएंगे परमेश्वर को इस प्रकार सलाह देता वसनங்களிலே வாசிக்கும் போது परंतु आगे का जो वचन है पहला राजा 17 अध्याय में आगे के वचन में देखेंगे एलिया தேவனிடத்திலே தண்ணிக்கு என்ன செய்வேன்னு கேட்கவில்லை परमेश्वर से एलिया नबी नहीं पूछ रहा था पानी धीरे धीरे घट रहा है प्रभु हमारे बारे में क्या है करके नहीं पूछा ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது सातवां वचन में लिखा है தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் देश में पानी नहीं बरसने के चलते சில நாளுக்கு பின்பு कुछ दिन बीतते बीतते वहाँ का नाला सूखने लगा आग आटले तन्नीर वट्रुम वरै और वहाँ का नाला सूखने समय तक परमेश्वर की बात नहीं कर रहा है पानी घट रहा है करके नहीं बोल रहा कड़ैसी सोट्टु तन्नीर वट्रम वरै आखिरी बूंद पानी सूखने समय तक தேவனுடைய வார்த்தை எலியாவிற்கு வெளிப்படவில்லை ஆக்ரி சமயத்தில் பரமேஸ்வர் கா ஆவாஸ் வாணி या परमेश्वर का वचन एलिया पर एलिया तक नहीं पहुंचा ஏனென்றால் எலியாவிற்கு தெரியும் தேவன் என்னை பொறுமையோடு ஓட சொல்லி இருக்கிறார் நான் காத்திருப்பேன் என்று சொல்லி அங்கே அமைதியோடு காத்திருக்கிறார் इसलिए எலியா को मालूम है परमेश्वर मुझे धीरज के साथ दौड़ने के लिए कहा है जब तक आंदा अगला आवाज मेरे कान तक नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ से हिलूंगा नहीं பல நேரங்களிலே நாமும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு ஊழியத்திலே தள்ளப்படுவோம் हम लोग भी कई बार हम सेवकाई में इस प्रकार के संदर्भ में हम ढकेले जाएंगे हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में ढकेले जाएंगे अभी आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया कुछ मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा எலியாவிற்கு உண்டானது ஜப் பானி வஹா பர் பில்குல் சூக் கயா உஸ் சமய
எலியா கே காண்மே பரமேஸ்வர் கா வசன் பௌன்சா எல்லாமே வற்றி போன நிலமையில நீங்கள் இன்றைக்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம் शायद हो सकता है आप भी बोल सकते हैं भैया हमारे पास भी सब कुछ सुखा हुआ नजर आ रहा है அடுத்து என்னுடைய ஊழியத்திலே என்ன நடக்க போகிறது என்கிறதான ஒரு கேள்விக்குறியோடு கூட நீங்கள் வந்திருக்கலாம் आपके पास भी ऐसा प्रश्न हो सकता है भैया मेरा सेवकाई में क्या होगा कैसे होगा करके प्रश्न आपके मन में हो सकता எல்லாம் வற்றி போயிச்சே நான் எப்படி இங்கே வேலை செய்ய போகிறேன் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் और सब कुछ सूख गया अभी हम क्या आगे जाके अब क्या करेंगे करके उस प्रकार का एक डर आपके अंदर होगा ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள் परंतु एक बात आप याद रखिए இந்த இடத்துக்கு நீங்களாக வரவில்லை और इस जगह में उस जो है जिस फील्ड में आप हैं आप अपने मन से नहीं आए வேறொரு மனிதர் உங்களை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கவில்லை और कोई इंसान आपको वहां पर लाके नहीं रखा है உங்களுடைய திறமையினால் நீங்க இங்கே வரவில்லை आप अपने கோபிக்க चलते उस जगह पर नहीं आए நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நடக்கிறவர்கள் என்று தேவன் அறிந்திருந்தபடியினால் आप परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले करके परमेश्वर समझने के चलते உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனோடு கூட இணைந்து இருக்கிறபடியினால் आपका जीवन परमेश्वर के साथ लगा हुआ रहने के चलते தேவனே உங்களை இங்கே நிறுவி இருக்கிறார் और इसलिए परमेश्वर ही आपको उस जगह पर आपको लगाया है रोपा है அன்றைக்கு எலியாவிடத்திலே சரியான நேரத்திலே வந்து பேசின ஆண்டவர் और जिस जाना जो पानी सूख रहा था उस समय में परमेश्वर ने सही समय पर जो वचन को परमेलिया के पास भेजा உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் அவர் சரியான நேரத்திலே வெளிப்படுவார் और उसी प्रकार आपके सेवकाई में पारिवारिक जीवन में सही समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे प्रकट होगा ஒருமையோடு ஓடுங்கள் इसलिए धीरज के साथ ஓடுங்கள் நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே ஓடுங்கள் आपके लिए जो निर्धारित नियुक्ति किया गया उस दौड़ में दौड़े ஒரு வாரம் சோர்ந்து போகாதீர்கள் और इसलिए कभी भी निराशा के लिए जगह मत दीजिए நாளைய தினத்தை குறித்த கவலை வேண்டாம் और कल के बारे में आप चिंता ना करें ஏனென்றால் நாம் ஓடுகிறது தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டம் क्योंकि जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं वो परमेश्वर ने आपके लिए जो नियुक्त किया था उस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं நம்மை குறித்து கரிசனை உள்ள ஆண்டவர் ஒருவர் இருக்கிறார் हमारे बारे में चिंता करने वाला एक परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया சரியான நேரத்திலே வெளிப்பட்ட ஆண்டவர் और जैसे उचित समय पर जो वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया एलिया नबी को एलिया बड़े சொல்லுகிறார் நீ எழுந்து கேரித்தை விட்டு சாரிபாத்துக்கு போ और यहां पर परमेश्वर कहता है अभी केरित नाला से तुम जो है वहां पर सारिपात जाओ करके परमेश्वर कहता है நானாக இருந்தால் எலியாவை போல தேவனிடத்தில் கேள்வி கேட்டிருப்பேன் मैं वहां पर रहता तो एलिया वहां पर एलिया नबी की जगह पर मैं होता मैं परमेश्वर से सवाल करता केरित ஆற்றண்டையிலிருந்து சாரிபாத்துக்கு போக வேண்டுமானால் 85 மைல் தூரம் கடந்து ध्यान दीजिएगा केरित नाला जो है उस जगह से परमेश्वर सारबात करके जो कहता है वहां पर 85 मील जो है जाना है इसवे ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிருந்தா நான் பாட்டு மெதுவா நடந்து போயிருப்பேன் அப்ப மை காந்தா ஹே பிரபு இயேசு आप जो है एक सप्ताह पहले कहे होते अब धीरे धीरे पैदल जो है 85 मील जो है आप चले गए होते अभी पानी सूख गया இன்னைக்கு குடிக்க தண்ணி இல்ல அபே आज मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है எப்படி 85 மைல் பிரயாணப்பட்டு போவேன் என்று நான் தேவனிடத்தில் கேட்கிறேன் அபே மை சவால் करता भैया 85 மைல் कैसे मैं பைதல் जाऊंगा करके मैं सवाल करता ஆனால் எலியா பொறுமையோடு கூட ஓடுகிற மனிதன் எலியா पर எலியா நபி धीरज के साथ दौड़ने वाला தேவனிடத்தில் கேள்வி கேட்கவில்லை और वो परमेश्वर से पूछताछ नहीं करता सवाल नहीं उठाता மாறாக தேவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு அப்படியே और परमेश्वर जो कहा उस बात को वैसा ही मान लिया अंगे सारी बात ले और विधवा वीट को देवन पोग और परमेश्वर वहां पर सारबात करके वो शहर में एक विधवा के घर पर उनको जाने के लिए आज्ञा देता है अंगे ही मेलिया केल भी गेट कबिल है वहां पर भी परमेश्वर से लिया कोई सवाल नहीं उठाता इन्ना आंडवरे क्या प्रभु அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய மனுஷன் வீட்டுக்கு அனுப்புனா ஹே பிரபு சார்பத் शहर में बड़े आदमी के पास यदि आप हमको भेजेंगे உங்க வீட்ல நிறைய சாப்பாடு இருக்கும் और उनके घर पर बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा நல்ல ஆகாரம் கிடைக்கும் और बच्चा बादशाह चिकना भोजन मिलेगा 6 மாசம் அப்பமும் இறைச்சி தான் తిന്നിருக்கேன் பிச்சலே 6 महीना रोटी और मांस खाके आया हूं मैं இவ்வளவு தூரம் பிரயாணப்பட்டு ஒரு விதவை வீட்டுக்கு போ சொல்றீங்க அபி இந்த தூர் சஃபர் करके
के 85 मील सफर करके एक विधवा के घर में जाने के लिए आप कह रहे हैं एलिया के विकेट का बिल्ला परंतु एलिया वैसा मतलब बार बार कुछ सवाल नहीं उठाया एलिया को तेरियो क्योंकि एलिया ने भी जानता था देव नियमित ओटतले பொறுமையோடு கூட ஓடு भाई जो दौड़ प्रभु ने मेरे लिए रखा उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ने वाला इंसान हो அப்படி எலியா கீழ்ப்படிந்து சென்றபோது उस प्रकार परमेश्वर के वचन के आधार पर आज्ञा मान के चल रहे यदि आप उस अध्याय में आगे पढ़ेंगे और वहाँ पर सर्वत जो है उस शहर के उस विधवा के घर में परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है और अड़े सुड़ुवदर्क तान अंगे माव इरुंदधु और वहाँ पर जो है एक छोटा सा थोड़ा सा आटा है थोड़ा सा कुप्पी में तेल है उसके अलावा और कुछ नहीं है आपको सही ट्रैक में लाने के लिए चाहता है आप
जितने भी दूर दौड़ के निकल के होंगे, फिर भी परमेश्वर चाहता है आपका दौड़ एक आत्मपूर्वक रहे। हालेलुया, इसलिए धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया, आइए दौड़ा हाथ उठा के प्रार्थना करें, प्रभु आप पर दया कीजिए। हालेलुया, प्रभु जिस प्रकार एलिय्याह नबी आपके सामने खड़े होने के चलते प्रभु जी जो दौड़ आपने एलिय्याह नबी के लिए रखा था उस प्रभु दौड़ में वो धीरज के साथ दौड़ा। हालेलुया, ये प्रभु आपका वचन उनके कान तक पहुंचा प्रभु जी। हालेलुया, आपने उनको प्रभु उस जगह पर भेजा, वो प्रभु जी 6 महीना रोटी खाया था प्रभु, मांस नहीं खाया प्रभु, फिर भी जो उब जाने वाली बातें उसी को वो करने के बावजूद भी वो सवाल नहीं उठाया। हालेलुया, ये प्रभु आपको भी दया कीजिए। कई बार हम लोग प्रभु जी हमारे जीवन में उब जाते हैं, वो प्रभु जल्दी जल्दी हम लोग उब जाते हैं, प्रभु हमारे ऊपर दया कीजिए, प्रभु जी हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। वो प्रभु जी जो दौड़ हमारे लिए नहीं रखा गया उस दौड़ में दौड़ने के लिए हमने प्रयास किया प्रभु, माफ कर दीजिए। इसलिए प्रभु जो दर्शन आपने दिया उस दर्शन को हमने खो दिया प्रभु जी। हालेलुया, परंतु आज मैं आया हूँ, आज मैं आई हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, एलिय्याह नबी को मालूम है वो देख रहा है नाला का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, वो नाला का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये प्रभु करके वो नहीं चिल्लाया, परंतु दौड़ रखा गया उस दौड़ में धीरे धीरे रहा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर वो सात को परमेश्वर जाने के लिए कहा। हालेलुया, बाप तुम्हारे तुम्हें जो है संभालने के लिए एक परिवार तुम्हें रखा हो। हालेलुया, हे प्रभु तो दया कर राजा, हम लोग अपने प्रभु भविष्य को लेकर के हम लोग चिंता में पड़ करके हम अपने प्रभु जी दौड़ को प्रभु रुकना नहीं है। हालेलुया, हम अपने दौड़ में रुकना नहीं है प्रभु, अन्य ट्रैक में दौड़ना नहीं है प्रभु जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया, 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 तो दया कर प्रभु, तो अनुग्रह कर राजा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया, दुनिया की मोह माया में मैं बस करके रह गया, स्वर्ग पिता को बोल कर मैं आशीषों को तो दिया, दुनिया की मोह माया में मैं बस करके रह गया, स्वर्ग पिता को बोल प्रभु, उस दौड़ में
धीरज के साथ मैं दौड़ना चाहूंगा, मैं धीरज को खो दिया। इसके चलते प्रभु जो दौड़ मेरे लिए, जो काम मेरे लिए नहीं था, उसको मैंने करने को प्रयास किया, उसके लिए मैं अपना समय लगाया, उसके लिए मैंने अपना बुद्धि लगाया, मेहनत लगाया, उसी के लिए प्रभु मैं तरसने लगा। इसलिए मेरा दौड़ धीरे धीरे कम हो गया, इसलिए मेरे सेवकाई धीरे धीरे मार का रहा है। आज मैं समझ गया, मैं सही ट्रैक पर दौड़ने के लिए मैं निर्णय लेता हूँ। भाई हमारे भैया प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा साफ रीति से बातचीत किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त में हम प्रार्थना करें, हालेलुया, 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 सब कोई हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनंतकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए प्रभु तेरे पास हम आते हैं स्वामी। हालेलुया प्रभु जी, जो दौड़ तूने हमें दिया है, हे स्वामी हम प्रार्थना करते हैं हम सबों के ऊपर इस अनुग्रह को दीजिए कि हम धीरे से दौड़ सके प्रभु। साथ ही साथ प्रभु जी, जो ट्रैक तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, उस ट्रैक में ही हम दौड़ सके प्रभु जी। हालेलुया। कई बार प्रभु हम अपने बुद्धि को लगाते हैं, कई बार हम अपने ज्ञान को लगाते हैं प्रभु, कई बार प्रभु जी हालेलुया ये किस प्रकार होगा करके हम कई बार सवाल करते हैं प्रभु। लेकिन एलिय्याह के द्वारा प्रभु तूने स्पष्ट रीति से बातचीत किया प्रभु जी। ओ प्रभु हालेलुया, हालेलुया, तू हमारे लिए उस दौड़ को पूरा करने में मदद करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु हमें धीरे से उसमें दौड़ते रहने के लिए प्रभु हमें धीरे देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया में प्रभु जी हालेलुया, जहां हमें भरोसा करने लायक नहीं है प्रभु जी, उस पर वो भरोसा करने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो हमारे विरोध में है प्रभु जी, जो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, उस स्थान में भी प्रभु तू जाने के लिए यही कहता है, उस दौड़ में हमें दौड़ने के लिए तू कहता है प्रभु जी। उसमें हम लोग अपने आप को निर्णय लेते हुए उस दौड़ में आगे दौड़ने के लिए तू हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। ए प्रभु तू अनुग्रह दे, तू अनुग्रह दे प्रभु जी, तू अनुग्रह दे प्रभु जी। हालेलुया, हम सबों को तू अनुग्रह दे। हालेलुया। हर सिस्टर तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना को सुना है धन्यवाद, प्रार्थना को सुना है धन्यवाद प्रभु जी। विनती महिमा आदर स्तुति सब कुछ आपको मिलने था, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जय मसीह।